हेलो बच्चों वेलकम बैक सो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास एट दैट इज द रिचिंग द एज ऑफ एडोल्स तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं तो बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं वॉट इज एडोलसंस एंड वॉट इज प्यूबर्टी एडोल्सन्स और प्यूबर्टी का मतलब होता क्या है उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा क्या क्या चेंजेस आते हैं एक ह्यूमन बॉडी में चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स एंड द एसोसिएटेड हॉर्मोन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते क्या है और बेटा उसके साथ ये हार्मोन वाली चीज क्या है और उसका फंक्शन क्या है किस तरीके से वो काम करते हैं थोड़ा सा हम वो देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म हॉर्मोन्स डेट मीन ये हॉर्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा एज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज क्या एक इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं अगर बेटा नहीं होते हैं तो क्यों और कौन से एज में वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हाउ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एक बच्चे के सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है कैसे डिटरमाइन होता है कैसे यह तय होता है कि जो डेवलपिंग बेबी है इनसाइड द मदर्स वॉर्म इनसाइड द मदर्स यूटरस बेटा वो मेल में डेवलप होगा या फीमेल में डेवलप होगा एंडोक्राइन ग्लैंड होते क्या है और ह्यूमन बॉडी में बेटा इनका काम क्या होता है एंड लास्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं विद क्वेश्चन द पार्ट वन दैट इज व्हाट इज एडोल होता क्या है तो बेटा ह्यूमन में बात करें करे, एक ऐसा पीरियड आता है जब बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन हार्मोन अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं समझ लो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सम केमिकल्स सो हर ह्यूमन के लाइफ में जबकि हम यहां ह्यूमन के बारे में बात करें तो मैं फिलहाल यहाँ ह्यूमन वर्ड ही यूज करूंगी हर ह्यूमन के लाइफ में बेटा एक ऐसा पीरियड आता है जब क्या होता है उसके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम कहते हैं हॉर्मोन्स और इन हॉर्मोन्स के चलते क्या होता है बेटा कुछ बॉडी में चेंजेस दिखने को लगते हैं जैसे कि लड़कों का वॉइस चेंज होने लगता है दारी मूचे निकलने लगती है लड़कियों में बेटा ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू होती है तो ये सारे क्या है ये सारे उस पीरियड के कुछ हमारे साइंस है सो दैट पीरियड इज कॉल्ड एडोलसन पीरियड जहां रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेंड की जाती है बाय एन इंडिविजुअल ठीक है सो so, क्या है एडोल्स बेटा एडोल्स इज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडर गो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तो फिर प्यूबर्टी क्या है adolescence तो अगर मेच्योरिटी है तो प्यूबर्टी क्या है प्यूबर्टी बेटा एडोल्सन का वो एग्जैक्ट पीरियड है जब सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन हो चुकी होती है डेट इज प्यूबर्टी तो एडोलशंस जो ये पूरी डेवलपमेंट है बेटा उस पीरियड को हम कहते हैं जबकि प्यूबर्टी इज दीरियड जब सेक्शुअल मच्योरिटी बेटा अटेंड कर लेते हैं तो दोनों चीजें बहुत

करीब करीब 11 साल में लगने लगता है कि अब हम बड़े हो गए लगता है ना लड़कों को तो स्पेशली लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया मुझसे कुछ मत बोलो सो बेटा दैट इज द पीरियड ऑफ एडोल्सन जब हमारे सोच में थोड़े से चेंजेस आने लगते हैं हमारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और यही वो पीरियड है जिसमें क्या होता है आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको पहला पहला प्यार भी हो जाता है इट्स ऑल हार्मोनल ये सारे बेटा हार्मोन के इश्यूज है, है ना सो इट स्टार्टेड At around age of 11 and it lasts up to the age of 18 to 19 years. ये एक ब्रैकेट है Again, according to the individual, it varies. हर इंडिविजुअल में बेटा एडोल्स का पीरियड अलग अलग तरीके से होता है डिपेंडिंग ऑपन डेयर ओन हेल्थ कंडीशन डिपेंडिंग ऑपन डेयर ओन जीन्स also. प्लस बेटा थर्टीन टू एटीन ईयर्स की जो ये ब्रैकेट है या नाइनटीन ईयर्स की जो ब्रैकेट है इनको हम टीन्स भी कहते हैं तो टीनेजर जो टर्म है वो कभी कभी हम एडोल्सन टर्म के साथ भी सिनोनिमसली यूज करते हैं सो वट इज एडोल्सन इट इज द पीरियड ऑफ अटेनिंग सेक्शुअल मेच्योरिटी वट इज प्यूबर्टी बेटा वो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है जब सेक्शुअल मेच्योरिटी अटेन हो चुका होता है अब अगर हम देखें बेटा वॉट आर द चेंजेस डेट ऑकर्स एट दैट टाइम प्योवर्टी में क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया जाता है एक ह्यूमन बॉडी में तो सबसे पहला जो चेंज है इट इज द इंक्रीज इन हाइट बेटा हाइट इंक्रीज होती है ठीक है और यूजुअली क्या होता है फीमेल में अगर आप देखोगे फीमेल ग्रोस फास्टर एट दिस पीरियड फीमेल ग्रोव फास्टर ड मेल इनिशियली बेटा ये सिर्फ इनिशियल वाला कहानी है बाद में बिल्कुल उल्टा हो जाता है सो फीमेल ग्रोव फास्टर इनिशियली बट लेटर मेल हाइट इंक्रीज और इंक्रीजेस मोर ये चीज आप बहुत कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्लास सिक्स सेवन के अराउंड एट के अराउंड इनफैक्ट आप कह सकते हो बेटा फीमेल की हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है अचानक से स्कूल में जितने लड़कियां होती है उनकी हाइट बेटा बढ़ने लगती है और लड़कों के हाइट उस टाइम पे थोड़ा सा स्टेग्नेंट रहता है बट क्या होता है ये इनिशियल पीरियड है फिर अचानक से ऐसा एक वेव आता है बेटा कि लड़कों की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और तब तक फीमेल की हाइट रुक चुकी होती है यूजली माना जाता है कि लड़कियों का हाइट एटीन नाइनटीन ईयर्स के बाद बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है जबकि मेल्स में बेटा हाइट ट्वेंटी वन ईयर्स तक बढ़ सकती है है ना सो so, इनिशियली क्या है फीमेल की हाइट इंक्रीज होती है बट लेटर मेल्स उसको सक्सीड कर जाता है अगेन बेटा ये जो हाइट इंक्रीज है सो इंक्रीज इन हाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जेनेटिक फैक्टर याद रखिए अब किसी के मम्मी पापा बहुत छोटे हैं तो उसका हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा क्यों जीन्स सारा जीन का खेल है बेटा है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा एक्सक्यूज मी बट किसी के मम्मी पापा बेटा बहुत टॉल है तो उनके हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वाई अगेन ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर तो हाइट सिर्फ और सिर्फ और जेनेटिकार्स के वजह से प्यूबर्टी के वजह से नहीं बढ़ेगा हाइट के बढ़ने के पीछे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं बट ये एक लेटेस्ट ट्रेंड एक कॉमन ट्रेंड देखा गया है कि पहले लड़कियां बढ़ने लगती है और उसके बाद बेटा धीरे धीरे लड़कों की भी हाइट इंक्रीज होने लगती है अगेन बेटा ये ग्रोथ कभी यूनिफॉर्म नहीं होता किसी किसी में क्या होता है प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में हाइट इंक्रीज होता है बाद में नहीं होता स्लो डाउन हो जाता है जबकि किसी किसी में इंसान में क्या होता है बेटा प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में हाइट इंक्रीज होता ही नहीं है जबकि बाद में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एक्सक्यूज मी तो so, अब हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट चेंज की बेटा बात करें दैट इज चेंज इन बॉडी शेप बॉडी के शेप पे चेंज होता है ठीक है आपको भी इसकी तरफ बिल्कुल नहीं करना है एकदम खींच खींच के बॉडी बनाना है मन करता है क्या ऐसा करता होगा मेरा भी बहुत करता था मेरा तो मन करता था कि मैं जिम जाऊँ क्लास नाइन टेन में ही एट में भी तो करता होगा तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है कमिंग बैक टू द पॉइंट चेंज इन बॉडी शेप तो बॉडी के शेप में भी चेंजेस आने लगते हैं एक बच्चे को अगर आप देख लो एक टीनेजर को आप देख लो तो बेटा आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इनफैक्ट कभी अगर आपके घर में भाई है भाई को आप अपने सामने खड़ा कर लो और चेंजेस को ऑब्जर्व करो बॉडी की क्या होगा बेटा मेल में अगर हम देखें उनके जो आर्म्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी शोल्डर्स जो है बेटा वो वाइड हो जाएंगे है ना वो जो पूरा वी शेप वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं ना मेल्स में तो बेटा वाइड शोल्डर हो जाएंगे प्लस क्या होगा धीरे धीरे मस्क्यूलर होने लगेंगे मसल्स के ग्रोथ बढ़ने लगेंगे इन मेल्स दैट इज अ चेंज इन शेप ऑफ़ द बॉडी एक बच्चे में अगर आप देखोगे एक बच्चा बेटा muscular कितना ही हो जाएगा? नहीं हो पाएगा उसके शोल्डर होंगे They will be like normal. So, ये हमारे मेल्स में चेंजेस आएंगे जबकि फीमेल्स की अगर हम बात करें बेटा फीमेल्स में क्या चेंजेस आएंगे फीमेल्स में बेटा उनके हिप्स जो होते हैं या उनकी जो लोअर बॉडी है हिप्स और लोअर बॉडी विल बिकम वाइडर उनमें बेटा वाइडर किस चीज की होती है लोअर बॉडी की आप देखोगे मेल्स के बेटा ठाईस में फैट नहीं बहुत ज्यादा जमते हैं बट फीमेल्स में आप देखोगे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है थाइज में हिप्स में फैट जमा होने की सो दिस इज ड्यू टू एक्चुअली आवर क्या है बेटा इनहेरिटेंट कैपेसिटीज मेल में ये प्यूबर्टी के टाइम चेंजेस आते हैं उनके आर्म्स ब्रॉडन होते हैं जबकि फीमेल्स में क्या होता है बेटा फीमेल्स में लोअर बॉडी पार्ट हिप्स जो है वो ब्रॉडन हो जाता है वो वाइडर हो जाता है सो so, यहां पे भी आप देख सकते हो एक अन्यवल चेंज होता है ये चेंज भी बेटा अगेन हर किसी में हर टाइम पे नहीं आता है इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन प्लस जीन्स कौन सा जींस कहां इन्वॉल्व है नेक्स्ट चेंज की बात करें बेटा तो दैट इज वॉइस चेंज अ वॉइस चेंज तो आप सबने देखा ही होगा अब मैं आपको पढ़ाती हूं या सुनील सर आपको पढ़ाते होंगे बेटा तो डिफरेंस आपको वॉइस में पता ही चल गया है, है ना तो क्या होता है धीरे धीरे वॉइस में चेंज आने लगती है मेल जो है ठीक है मेल जो है उनकी वॉइस क्या होने लगती है बेटा उनकी वॉइस डीप हो जाती है क्रैक हो जाता है क्रैक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई लोहा मार देता वाँग वाँग जाता है वॉइस क्रैक हो जाती है, है है, सुनने में लगता है कि वो फट गई है। सो वॉइस बेटा क्रैक हो जाती है डीप हो जाती है और किसी किसी में क्या होता है इतना ज्यादा क्रैक हो जाता है कि इट अपीयर्स टू बी अर्स पर्स ऐसा लगता है आपको आवाज है ना कभी कभार तो ये चेंजेस बेटा सिर्फ और सिर्फ मेल्स में आते हैं इसके अलावा आप देखोगे मेल्स में उनकी जो ये वॉइस है जो ये larynx है बेटा वो इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है एनलार्ज हो जाती है कि वो बाहर निकल आती है आप देखोगे फीमेल की जो नेक होती है एकदम प्लेन होता है जबकि मेल के नेक में बेटा ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखता है इसको हम कॉमनली कहते हैं एडम्स एप्पल ठीक है सो so यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एडम एपल किस में होता है सो इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स मेल में बेटा गले में जो ये एक्सटेंडेड पोर्शन होता है दिस पोर्शन इज कॉल्ड एडम्स एप्पल और मेल की वॉइस कैसी होती है बेटा क्रैक होती है डीप होती है कभी कभार किसी किसी मेल में बेटा हॉर्स भी होती है दैट मीन थोड़ा सा उसकी वॉइस में बेटा हॉर्सनेस होती है फीमेल की बात करें तो फीमेल के वॉइस में क्या कुछ चेंज आती है फीमेल के वॉइस में भी बेटा चेंजेस आते हैं जैसे कि फीमेल में बेटा ये जो वॉइस बॉक्स है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता इट इज अ स्मॉलर इन साइज और फीमेल की पिच जो होती है इट बिकम्स हायर फीमेल्स की पिच हमेशा हायर होती है वॉइस में कोई क्रैक वैक नहीं आता ठीक है लड़कों की तरह और ना ही वॉइस डीप होता है फीमेल में वॉइस क्या होता है बेटा पिच जो होती है वो हाई हो जाती है जबकि मेल में लो होता है और फीमेल में आपको एडम एप्पल नहीं दिखेगा एंटिलन अनलेस उसको हॉर्मोनल कोई बीमारी ना हो सो नो एडम्स एप्पल विजिबल और सीम याद रखिए सो दिस इज दी चेंज इन वॉइस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी आप देखोगे एट नाइन के बाद धीरे धीरे ये शुरू होती है वॉइस जो है वो चेंज होना शुरू होता है तो आप देख सकते हो लास्ट हम तीन एग्जाम्पल देख चुके हैं कि हाइट में सडन इंक्रीज होने लगता है फिर बेटा बॉडी के शेप में चेंजेस आने लगते हैं वॉइस में चेंजेस आने लगते हैं तो जाहिर सी बात है अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है ना कुछ ना कुछ बिल्कुल चल रहा होता है बिल्कुल चलता है बेटा अंदर चलता क्या है अंदर हमारे जो सेक्स ऑर्गन है उनकी डेवलपमेंट चलती है कहने को तो जन्म से ही प्रेजेंट होता है सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हो गया या बेटा ओवरीज हो गया जन्म से प्रेजेंट होता है लेकिन एट दिस पीरियड ऑफ लाइफ एट दिस पीरियड ऑफ वी कैन से टाइम ये मेच्योर्ड होने लगते हैं ये डेवलप होने लगते हैं सो so, यहां पे क्या होगा वाइडेस्ट चेंजेस ऑकर्स बिकॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गे मेल में अगर आप देखोगे बेटा एट दिस पीरियड प्रोड्यूसिंग वट कौन सा हार्मोन रिलीज होता है क्या करता है टेस्ट रिप्रोडक्शन में आप पढ़ चुके हो जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है द टेस्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म सेल्स टेस्ट मेच्योर्ड हो जाता है बेटा और वो स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन शुरू कर देती है एंड ऑल्सो के साथ क्या करता है एंड ऑल्सो मेल सेक्स हॉर्मोन कॉल टेस्टोस्टेरॉन ठीक है तो टेस्टस फुल्ली डेवलप हो जाता है इस पीरियड में आकर ये मेल सेक्स हॉर्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरॉन और बेटा रिलीज करते हैं है. अगर आप देखोगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है फीमेल में क्या डेवलप होगा क्या है सेक्स ऑर्गन्स फीमेल की जल्दी बताओ आई जस्ट होप हंड्रेड परसेंट बच्चे सही आंसर दे कुछ और कोई गलत आंसर नहीं चाहिए बेटा क्या होगा फीमेल में जो है बेटा फीमेल में ओवरीज की डेवलपमेंट हो गई ओवरीज डेवलप हो जाएंगे एंड ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग याद रखिए ओवरीज बेटा एग प्रोड्यूस नहीं करते जन्म से ही एग प्रेजेंट होते हैं एक लड़की में जन्म के वक्त ही हजार हजार एग्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बेटा वो एग्स मेच्योर्ड होने लगते हैं और रिलीज होने लगते हैं और इसके चलते क्या होता है बेटा इसके चलते और एक साइकिल शुरू होती है फीमेल में डेट इज कॉल्ड मैं साइकिल है ना मैंट्रेशन साइकिल शुरू हो जाती है प्लस बेटा क्या होता है इट ऑल्सो सीक्रेट फीमेल हॉर्मोन्स फीमेल हॉर्मोन रिलीज होता है कॉल एस्ट्रोजन एंड अनादर वन विच इज नॉट गिवन इन आवर एनसीआर टी प्रोजेस्टरॉन ठीक है दो मेन हॉर्मोन होते हैं फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टरॉन सो ये हॉर्मोन्स जो होते हैं बेटा ये जो केमिकल्स है जो हमारे टेस्ट से हमारे ओवरीज से रिलीज होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वॉइस फॉर द चेंज इन बॉडी कैरेक्टर्स कैसे होते हैं उसके बारे में भी हम डेफिनेटली देखेंगे लेकिन उससे पहले और एक चीज हम यहां देखते हैं कि बेटा चेंजेस सिर्फ बॉडी में नहीं आती है चेंजेस सिर्फ वॉइस में नहीं आती है चेंजेस इंटेलेक्चुअलिटी में भी आती है आप देखोगे एडोल्स इज अ पीरियड जहां आप अपने आप को बहुत मेच्योर फील करने लगते हो कुछ बच्चे जो ऐसे है होते हैं कि पापा आज से मुझे कुछ मत बोलो मैं आप बहुत बड़ा हो चुका हूं होता है ना ऐसा सो वाई दिस बेटा एक्सक्यूज मी बिकॉज़ बेटा एडोल्सेंस इज अ पीरियड जो इंसान को मेंटली इंटेलेक्चुअली भी ग्रो करता है तो so, वो यहाँ पे क्या होगा बेटा ड्यूरिंग दिस पीरियड टल एंड इंटेलैक्चुअल कैपेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस इट ऑल्सो इंक्रीजेस स्टिल बेटा स्टिल दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वेलनरेबल पीरियड बट याद रखिए स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर वलनरेबल वाई ऐसा क्यों होता है कि इसको मोर वलनरेबल और द मोस्ट वलनरेबल वी कैन से मोस्ट वलनरेबल विजैक्ट एंड अप्रोप्रियट वर्ड एज ग्रुप सो बेटा देखो एडोल्सन इज द पीरियड जहां पर इंटेलेक्चुअल ग्रो करते हैं जहां पे लोग मच फील करने लगते हैं मेंटल एबिलिटी ग्रो होता है फिर भी उसको मोस्ट वेबल ग्रुप इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इज अ ग्रुप जहां बेटा इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी होते हैं ड्रग एडिक्शन अगर आप देखोगे दिस इज द पीरियड एडोल्स इज द पीरियड जहां पे ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इन्फ्लुएंस होते हैं उनको लगता है कि हमारे बॉडी में जो चेंजेस आ रहा है डिस आर नॉट नॉर्मल एंड वी हैव टू टू एस्केप अ डिफरेंट वर्ल्ड इस so, टाइम बेटा आप डेफिनेटली ग्रो भी करते हो और यही टाइम है जो आपको नीचे कहीं किसी और दुनिया में भी ले जा सकती है डेट्स वाई दिस इज कंसिडर्ड एज मोस्ट वर्लरेबल एज ग्रुप अब बेटा बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के उसके बाद हम देखेंगे कि ये हॉर्मोन्स किस तरीके से प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी में चेंजेस लाते हैं सबसे पहले थोड़ा सा डिफाइन करने की मैं कोशिश करूंगी कि वॉट इज सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स सो ऑल द कैरेक्टर्स डेट डेवेलॉप एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आर नोन एज सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ऑल कैरेक्टर्स याद रखिए डेट डेवेलॉप एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर अब यह कुछ भी हो सकता है बेटा जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद से भी लिख सकते हो वीडियो को रोक लो यही पे एक दो एग्जाम्पल खुद से भी लिख सकते हो सो so बेटा नंबर वन क्या हो सकता है नंबर वन पॉइंट इज मुस्टाक्स राइट दाढ़ी होती है मूचे होती है ग्रो होने लगते हैं धीरे धीरे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सो मुस्टाक्स इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर सेकेंड फीमेल female. Female में बेटा ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है थर्ड वन इज ऑफकोर्स वॉइस चेंज जो अभी अभी हमने देखा था वॉइस में चेंजेस आती है लड़कों का वॉइस बेटा डीप हो जाता है क्रैक हो जाता है लड़कियों का हाई पिच वाला हो जाता है फोर्थ वन इज द्यूबिक हेयर प्राइवेट एरियाज में बेटा हेयर की डेवलपमेंट होने लगती है और और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है लाइक हेयर्स ऑन चेस्ट इन मेल्स है ना ये फीमेल में तो होगा नहीं मेल्स में है सो हेयर्स ऑन चेस्ट इन मेल एंड बेटा नेक्स्ट आप देख सकते हो आर्म फ्रिट्स पे भी होते हैं सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट

So, किसके वजह से होता है सेक्स हार्मोन्स के वजह से होता है अगेन एम रिपीटिंग अगेन एम राइटिंग द नेम मेल में कौन सा हार्मोन होगा बेटा मेल में द हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बेटा एक हार्मोन अकेले काम नहीं करता है बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं लेकिन लेकिन एनसीआरटी में नाम सिर्फ और सिर्फ दिया गया है एस्ट्रोजन को जो कि बिल्कुल जायज है मेन रोल तो इसी का होता है है ना बाकी सारे क्या है बाकी सारे बेटा इनके हेल्पर्स हैं। तो इसीलिए हमें मेन यही याद रखना है कि ये मेन हॉर्मोन्स है विच आर रेस्पॅॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल लेकिन बेटा अब पॉइंट ये आता है कि ये हार्मोन काम कैसे करते हैं हाउ दिस हार्मोन वर्ड्स सो बिफोर स्टार्टिंग विदैनिज्म हारमोन तो हमने देख ली है लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विदेनिज्म हॉर्मोन एक्शन बेटा मैं आपको थोड़ा सा हॉर्मोन्स के बारे में बताना चाहती हूं कि वॉट आर हॉर्मोन्स ठीक है सो वॉट आर हॉर्मोन्स याद रखिए हॉर्मोन्स आर सर्टेन केमिकल्स क्योंकि हमें बेटा हॉर्मोन्स नहीं पता होगा तो हमें नहीं समझ में आएगा कि ये काम कैसे कर रही है है ना? So, there are certain chemicals, 80% आप, मान लो होते हैं, कुछ हमारे स्टेरॉइड भी होते हैं अगेन केमिकल नेचर पे नहीं जाते हम कंफ्यूज हो जाएंगे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं देयर आर सर्टिन केमिकल्स दैट आर प्रोड्यूस इन साइड आवर बॉडी ठीक है ट आर प्रोड्यूस इनसाइड आवर बॉडी कॉल्ड हॉर्मोन्स आर कॉल्ड हॉर्मोन्स ठीक है और ये कौन रिलीज करता है बेटा कौन बनाता है लीवर किडनी कौन बनाता है कोई नहीं बनाता है दिस हॉर्मोन्स आर मेड बाय और रिलीज बाय सम स्पेशल पार्ट ऑफ आवर बॉडी कॉल ग्लैंड कुछ हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी में जिनको हम कहते हैं ग्लैंड ठीक है सो मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन एक्शन बाद में देखेंगे पहले हम हॉर्मोन क्या है और ग्लैंड क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं सो so, बेटा क्या है ये हॉर्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल्स है मेजोरिटी ऑफ डेम आर प्रोटीन्स अगेन प्रोटीन को भूल जाओ केमिकल्स है कुछ जो हमारे बॉडी में बनते हैं इन अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल ग्लैंड अब जब हम ग्लैंड के बारे में बात करते हैं बेटा ग्लैंड भी कई तरीके के होते हैं हमारे बॉडी में कई तरीके के होते हैं मेनली दो ब्रॉड कैटेगरी है वन इज ग्लैंड इन आवर बॉडी बेटा दो मेन कैटेगरी है ग्लैंड की वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड ठीक है एक्सोक्राइन ग्लैंड एक कैटेगरी है दूसरा कैटेगरी है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड दूसरा कैटेगरी एंडोक्राइन Glands है जो हमारे एनसीआर में भी दिया गया है एक्सोक्राइन नहीं दिया गया है बट थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी ताकि आपको समझ में आए डेफिनेटली आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ने वाले हो बेटा तो बेकार नहीं जाएगी अगर हम थोड़ा समझ भी लेंगे तो सो कमिंग टू एक्सोक्राइन ग्लैंड बेटा ये कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिसमें छोटे छोटे डक्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं बेटा ग्लैंड है ग्लैंड क्या है एक स्ट्रक्चर है समझ लो एक स्ट्रक्चर है सेल से बना हुआ एक बलून है सेल से बना हुआ जिससे बेटा केमिकल्स बन के निकलते हैं ठीक है दैट इज द ग्लैंड अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है बेटा ये कुछ ऐसे ग्लैंड है जिसमें छोटे छोटे ट्यूब लगे हैं और इससे जो भी रिलीज होता है उन्हीं ट्यूब से निकलकर वो बाहर आते हैं डेट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड ठीक है क्या है ये दे हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ठीक है, दे हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल डक्ट ठीक है सो अस एज्यूम मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूं ये है हमारा ग्लैंड ठीक है मान लीजिए ये है हमारा ग्लैंड ठीक है और इस ग्लैंड में क्या होगा बेटा जो भी बनेगा एक छोटे से ट्यूब के थ्रू वो बाहर आएगा एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड डक्ट ये हो गया हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं आवर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड बेटा सलाइवा नाम तो सुना होगा कहां है सलाइवा मुंह में है थू थू जिसको हम बोलते हैं है ना सो सलाइवा कहा रिलीज होता है बेटा माउथ में तो यहां क्या है बेटा ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड हमारे टंग के नीचे हमारे यहां ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो पाइप के थ्रू थू को बनाकर कहां भेजते हैं बेटा मुंह में डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं ब्लड को यूज ही नहीं करते ये ग्लैंड यूज ब्लड एज अ मीडियम सीधा पाइप से जगह तक चीज पहुंच जाती है सो नो ब्लड इज यूज एज मीडियम हेयर याद रखिए दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट नो ब्लड इज यूज एज मीडियम ब्लड को ये यूज ही नहीं करते सीधा पाइप के थ्रू अपनी चीजों को पहुंचा देते हैं जैसे कि ये बच्चा आप देख सकते हो बड़ा क्यूट सा बच्चा है लेकिन मुंह से बेटा इसकी सलाइवा निकल रही है अब आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने ऊपर से लिख दिया है तो मुंह से इसकी सलाइवा निकल रही है सो दिस सलाइवरी ग्लैंड 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 इज एन ऑफ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या है बेटा दे आर डकलेस इनमें कोई ट्यूब व्यूब कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता बस एक स्ट्रक्चर है जो भी रिलीज होता है बेटा दिस इज द ग्लैंड मान लीजिए दिस इज द ग्लैंड यहां से जो भी रिलीज होगा सीधा ब्लड में आएगा और ब्लड के थ्रू ये बॉडी के सेल्स बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचेगा दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड डकलेस बेटा डक वक कुछ नहीं होता कुछ ट्यूब नहीं होता है यूजेज ब्लड एज ए मीडियम इनको ब्लड की जरूरत होती है फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको बेटा ब्लड की जरूरत होती है और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट बेटा हमारी जो टेस्टस है क्या रिलीज कर रही है टेस्टोस्टेरॉन और जो फीमेल में होती है ओवरीज बेटा ओवरीज जो है

हमारे हेड में जो बेटा ग्लैंड होता है इट इज कॉल्ड पिट्यूटरी आई एम राइटिंग इट हियर अगेन इफ इट्स नॉट क्लियरली विजिबल सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा ये है मास्टर ऑफ ऑल ब्रेन में जो भी ग्लैंड है उसको ऐसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ठीक है वैसे तो इसके बिना और भी ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड इज अ ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट हियर बेटा तीसरी आग जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड इट इट्स अ हार्मोन दैट कंट्रोल आवर स्लिप बट अगेन वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है जो दिया गया है हम सिर्फ उसके बारे में स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ मास्टर ग्लैंड क्यों बेटा क्योंकि ये बाकी के सारे ग्लैंड ये जितने भी ग्लैंड है उनको कंट्रोल करता है उनके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है हेड ऑफिस में बैठा हुआ है तो ये क्या है बेटा मैनेजर है पिट्यूटरी इज दी मास्टर जो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं नेक्स्ट जो ग्लैंड है Again, this is not visible, so जो हमारे बॉडी में फैट के मेटाबोलिज्म को कंट्रोल करता है जिस भी इंसान में बेटा ये हॉर्मोन की कमी हो जाती है वो इंसान बहुत मोटा हो जाता है क्योंकि फैट मेटाबोलाइज नहीं हो पाता फैट मेटाबोलाइज नहीं हो पाता तो फैट बॉडी में रह जाता है दिस इज अ डिजीज कॉल हाइपोथाइर बोलते हैं इस डिजीज को बेटा कॉमनली कॉमन लोग क्या कहते हैं थारॉयड हो गया तो वही बीमारी है बेटा ये सिक्रेशन इसकी कम हो जाती है और लोग मोटे होने लगते हैं सिमिलरली बेटा इसकी जो हार्मोन है थायरॉक्सिन उसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई वो अगर ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गया तो वो इंसान बहुत ही पतला दुबला हो जाएगा क्योंकि फैट उसके बॉडी में रहेगा ही नहीं सो दिस इज एसोसिएटेड विद आवर मेटाबोलिज्म ऑफ आवर बॉडी नेक्स्ट ग्लैंड जो है बेटा गुस्सा आता है आपको आता तो होगा बहुत गुस्सा एड्रीनल ग्लैंड जो है बेटा इट इज अ ग्लैंड दैट कंट्रोल्स सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन आवर बॉडी ये ग्लैंड क्या करती है ये हमारे बॉडी में बेटा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करती है ठीक है और इसके अलावा बेटा ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं एंगर जो भी इमोशन है बेटा वाली में कभी कभी होता है ना कि आपको लगता है फाइट फाइट और फ्लाइट वाला कंडीशन कि भाग जाओ या करो, क्या नर्वसनेस करो? जो होती है हमें इंटरव्यू के में जाते वक्त एग्जाम देते वक्त बेटा जो हमें नर्वसनेस होती है वो क्यों होती है ड्यू टू एड्रिनल सिक्रेशन गेम अगर खेलते होंगे एड्रिनल रश के बारे में आपने ये टर्म सुना होगा सो so, ये क्या है बेटा इट इज अ अशन एड्रीन उसको कहते हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड के सिक्वेशन है जो है, बेटा बिल्कुल गिरगित है ये एग्जो और एंडो दोनों की तरह काम करता है जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तब पेनकेरस एक्ट एज अंडो एग्जोक्राइन ग्लैंड ठीक है सो पैनकेरस एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड और जब बेटा हम यहां पे एंडोक्राइन की बात करते हैं तो पेनकेरस एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल और जो भी ग्लैंड बेटा दोनों तरीके से काम करते हैं एज एक्सोक्राइन एज एंडोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को हम पैराक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं तो पेनकेरस दोनों चीजें करता है कभी कभी ये बेटा पेनक्रेटिक जूस रिलीज करता है ड्यूरिंग डाइजेशन जिससे वो एक्सोक्लाइन बन जाता है कभी कभार ये बेटा इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है ग्लूकेगन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जो इसके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है और ये इंसुलिन क्या करती है ये इंसुलिन बेटा हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है और जिस भी इंसान में शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होता इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है ही सी सफर्स फ्रॉम डायबिटीज उनको क्या हो जाता है बेटा डायबिटीज हो जाता है अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है डैट इज ओवरीज इन फीमेल जो क्या करेगी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करेगी है ना और टेस्टस इन मेल जो क्या करेगी बेटा जो टेस्टोस्टर की प्रोडक्शन करेगी सो दिस आर द मेन और इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी अब हमें इनमें से तीन चीजों के बारे में पढ़ना है एक है पिट्यूटरी जो है मास्टर ग्लैंड और दूसरा है ओवरी व्हिच इज प्रेजेंट इन फीमेल एंड तीसरा है टेस्टिस व्हिच इज प्रेजेंट इन मेल बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में इतना ज्यादा हम मैकेनिज्म में नहीं पढ़ने वाले हम बस उनका फंक्शन देखेंगे बिकॉज़ इट इज गिवन एंड इट इज नेसेसरी बेटा फंक्शन की बात करें तो मैंने एक टैबुलर फॉर्म में इसे डिनोट कर दिया है आप इजीली देख सकते हो यहां से तो पिट्यूटरी ग्लैंड वो चीज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड आप देख सकते हो क्या रिलीज करते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ही नहीं बेटा ये बाकी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है तभी तो इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड लेट मी ट्राई विद द रेड वन इफ रेड वन इज मोर विजिबल आई गेस बेटा रेड वन ज्यादा विजिबल लग रहा है सो आई एम यूजिंग द रेड वन अगेन सो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है बेटा और सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है नेक्स्ट अगर आप देखोगे जो हमारे गले में प्रेजेंट होता है बेटा हार्मोन हार्मोन रिलीज कर कर रहा है ये, और ये क्या कर रही है ये ये और क्या रही मेटाबॉलिज्म को बेटा कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा ये हमारे बॉडी में एक बैलेंस ग्रोथ को भी मेंटेन कर रहा है इनफैक्ट बेटा आपको पता होगा डेफिशिएंसी डिजीज में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारे यहाँ जब भी हमारे यहाँ बेटा क्या होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है यहां पे कुछ ग्लैंड होता है कुछ होता है जिसकी स्वेलिंग हो जाती है और जिसे हम कहते हैं गोइटर सो एक्चुअली द स्वेलिंग ऑफ वर्ड स्वेलिंग ऑफ थायरॉइड हार्मोन ठीक है क्योंकि थाइरॉयड हार्मोन को काम करने के लिए आयोडीन चाहिए होता है और जब हम आयोडीन नहीं खाते हैं बेटा तो क्या होगा हमें गोइटर हो जाता है थाइरोयड ग्लैंड काम नहीं कर पाता स्वेलिंग हो जाता है पैराथायर हार्मोन इज नॉट गिवन इन आवर एनसीईआरटी बेटा तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो और पैराथ हॉर्मोन तो बेटा ये जो पैराथायर हार्मोन है दो छोटे छोटे हमारे ग्रुप ऑफ ग्लैंड है जो थाइरयड ग्लैंड के नीचे रहते हैं इसीलिए इनको कहते हैं पैराथाइर ये क्या है आधा अधूरा थायरॉयड ये हमारे बॉडी में बेटा कैल्शियम को मेंटेन रखते हैं दे कंट्रोल कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन आवर बॉडी छोटे है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एड्रिनल की बात करें जो मैंने कहा था ये हमारे बॉडी को बेटा एमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है और इसके अलावा और एक पॉइंट हमें याद रखना है कि इट ऑल्सो मेंटेन्स सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन आवर बॉडी ठीक है ये सॉल्ट के कंसेंट्रेशन को भी मेंटेन करता है नेक्स्ट अगर आप देखोगे पेनकैरस का फंक्शन क्या है बेटा पेनकैरस रिलीजेस अ हार्मोन कॉल इंसुलिन राइट सो इट रिलीजेस अ हार्मोन कॉल इंसुलिन विच मेंटेन्स दी ग्लूकोस लेवल इन आवर बॉडी बट इसके अलावा भी हार्मोन्स दो और रिलीज करते हैं बट अगेन दिस इज नॉट गिवन सो हमें इतना ज्यादा नहीं देखना इन डिटेल इंसुलिन को फिलहाल के लिए याद रखो जो बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है नेक्स्ट इज दी टेस्टोस्टोरॉन इन मेल जो क्या करेंगे बेटा मेल में ग्रोथ को मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे प्लस इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर सिमिलरली फीमेल की बात करें एस्ट्रोजन इट कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स तो ये सारे क्या हो गया बेटा ये सारे हो गए हमारे एंडोक्राइन सिस्टम अब हम क्या देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन कि एग्जैक्टली exactly हार्मोन काम कैसे करती है तो सबसे पहले देखिए हार्मोन काम कैसे करेंगे अभी मैंने बताया था कि एक ग्लैंड है विच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड क्या है उस ग्लैंड का नाम बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा इट विल सिक्रीट सम हॉर्मोन ये कुछ हमारे केमिकल्स रिलीज करेंगे कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे विच विल इनडायरेक्टली कंट्रोल ओवरीज जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है और बेटा टेस्टर्स जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है ठीक है सो so, क्या होगा अगेन आएम रिपीटिंग सो पिट्यूटरी विल सिक्रीट सम केमिकल्स विच विल सिग्नल और विच विल कंट्रोल ओवरीज और टेस्टस ठीक है मेल में हुआ तो टेस्टस फीमेल में हुआ तो ओवरिस ठीक है अब जब सिग्नल उनको मिल चुका है ठीक है टेस्टिस हो गया या ओवरी हो गई जब उनको सिग्नल मिल जाता है पिट्यूटरी से तो वो क्या करते हैं बेटा वो अपने रेस्पेक्टिव हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं अगर हम ओवरी के कॉन्टेक्स में देखें तो जब बेटा पिट्यूटरी से सिग्नल आता है वो तुरंत क्या रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन एट सम पॉइंट एंड प्रोजेस्टर एट अलग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं डिपेंडिंग अपन डेट हार्मोन ओवरीज बेटा अपने हॉर्मोन रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन क्या रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरॉन <coughs> तो अगर हम ये देखें कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन टेस्टिस के हॉर्मोनल सिक्युशन को कंट्रोल कर रहा है इट इज डी पिट्यूटरी पिट्यूटरी बेटा सिग्नल भेजेगा कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे जो कहा आएगा पे आएगा या ओवरीज पे आएगा डिपेंडिंग ऑन मेल और फीमेल उसके बाद बेटा क्या होगा सिग्नल मिलते ही ओवरीज अपने हॉर्मोन्स बनाना शुरू करेंगे ओवरीज एस्ट्रोजन बनाना शुरू करेंगे और टेस्टस बेटा टेस्टोस्टर बनाना शुरू करेंगे और आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस हॉर्मोन इन द ब्लड क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल और फीमेल है ना सो so, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की शुरुआत हो जाएगी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और मेल में क्या होगा बेटा मेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शुरू हो जाएगी क्रैकिंग ऑफ वॉइस चेंज इन दी बॉडी शेप ऑल दिस थिंग्स मुस्टैक्स का आना बेटा मूचे होना ये सारे जितने भी चेंजेस है वो शुरू हो जाएंगे पे कौन है बेटा? और बेटा ये सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं होता है इट कैन बी ऑल्सो सीन इन अदर एनिमल्स ठीक है एम्फीबियंस में देखा गया है इंसेक्ट्स में देखा गया है बेटा हॉर्मोन्स जो होते हैं विच आर केमिकल्स इन साइड बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी एग्जाम्पल बेटा मैंने यहाँ पे फ्रॉग का एड किया हुआ है दिस इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग फ्रॉग सॉरी विच इज कॉल्ड टेटपोल है ना पहले फ्रॉग क्या होता है बेटा अंडे से पहले टेटपोल बनते हैं कुछ टाइम टेटपोल पानी में रहते हैं फिर क्या होता है बेटा फिर होता है उनकी बॉडी की डेवलपमेंट विच इज नोन एस मेटामोरफोसिस है ना मेटामोरफोसिस इसको कहते हैं बॉडी के फॉर्मेशन को मेटामोरफिज भी कहते हैं प्रोसेस को और उसके बाद क्या होता है बेटा एक एडल्ट फ्रॉग की फॉर्मेशन होती है दिस इज एन एडल्ट फ्रॉग है ना लेकिन क्या आपको पता है बेटा कि ये जो टैटपोल है इट रिक्वायर्स आयोडीन फॉर इट्स मेटामोरफोसिस इट रिक्वायर्स आयोडीन फॉर मेटामोरफोजेनेसिस अगर पानी में बेटा आयोडीन नहीं हुआ अगर उस वक्त पानी में बेटा आयोडीन की कमी हुई तो इसकी मेटामोर्फोजेनेसिस नहीं हो पाती है और ये बेटा एडल्ट फ्रॉग में नहीं डेवलप हो पाता सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एन हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंस इन एनिमल्स बॉडी याद रखिए इट रिक्वायर्स आयोडीन फॉर मेटा मोर्फोजेनेसिस वेन आयोडीन इज नॉट डेयर सो ड्यू टू द लैक ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन टामोरफोसिस मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं डज नॉट ऑकर ठीक है और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आयोडीन बेटा कौन से हार्मोन के लिए कौन से ग्लैंड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी अभी मैंने बताया था जब मैंने अभी अब आपको चार्ट करवाया बेटा मैंने बताया था कि एक ऐसा हार्मोन है जिसके लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है सो so, याद करो और यहाँ पे आंसर करो बेटा आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन अफेक्टेड होगा इट इज थरॉक्सिन हार्मोन थाइरॉइड ग्लैंड की सिक्रेशन जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है बेटा टैड पोल में अगर आयोडीन की कमी होगी तो थाइरोक्सिन हार्मोन नहीं ग्रो कर पाएगा थाइरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा तो बेटा मेटाबॉलिज्म अच्छी नहीं होगी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी जाहिर सी बात है सो ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडिन मेटामोरफोसिस ड नॉट ऑकर एज इनसफिशियंट वी कैन से थाइरोक्सिन हॉर्मोन्स आर थाइरोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड जितना भी थाइरोक्सिन हॉर्मोन बेटा बनेगा वो सफिशियंट नहीं होगा वो इनसफिशियंट होगा जिसके वजह से क्या होगा ओवरऑल ग्रोथ उसकी नहीं हो पाएगी सिमिलरली बेटा इंसेक्ट्स में भी इंसेक्ट हॉर्मोन्स होते हैं कुछ जुवेनाइल हॉर्मोन्स होते हैं कुछ इग्नाय इग्डायोसॉन्स हॉर्मोन होते हैं अगेन नेम्स आर नॉट रिक्वायर्ड इंसेक्ट हॉर्मोन करके टर्म हमारे एनसीआरटी में यूज हुआ है और हमें इंसेक्ट हॉर्मोन के नाम से ही याद रखना है इंसेक्ट्स में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं स्पेशल विच आर कॉल्ड इंसेक्ट्स हॉर्मोन जिसके बिना बेटा इनकी उनकी भी मेटामोरफोसिस होना पॉसिबल नहीं होता सो हॉर्मोन्स आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी बट दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर सिग्नलिंग ऑफ द बॉडी ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन सो वॉट इज सेक्स डिटर्मिनेशन सो बेटा अभी अभी हमने क्या देखा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में देखा फिर हमने क्या देखा रोल ऑफ हॉर्मोन इन डेवलपिंग डेवलॉपिंग कैरेक्टर अब बेटा हम क्या देखेंगे कि सेक्स की डिटर्मिनेशन क्या होती है मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है फ्रॉम द प्यूबर्टी पार्ट बट इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं बेटा सेक्स कैसे डिटरमाइन होती है वो भी जरूरी है जानना दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड हेयर सो वट इज क्राइटेरिया तो बेटा वो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये रैंडम होंगे कुछ कह सकते हैं भगवान करते हैं ऐसा कि किसी किसी को लड़की बनाते हैं किसी किसी को लड़की लड़के बनाते हैं बेटा बट अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्स इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स ठीक है क्रोमोसोम्स हमारे सेक्स को डिटरमाइन करती है तो सेल वाले चैप्टर में हमने देखा था कि क्रोमोजोम्स क्या होते हैं बेटा वट आर क्रोमोजोम्स सेल वाला चैप्टर याद करो सो क्रोमोजोम्स आर अरेंजमेंट ऑफ डीएनए है ना ये क्रोमोजोम्स क्या है बेटा दे आर नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ये डीएनए की अरेंजमेंट होती है ठीक है एक शेपेड स्ट्रक्चर होते हैं आप देख सकते हो दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ एन क्रोमोजोम सो वैसे ह्यूमंस की बात करें क्योंकि मैं यहां सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बात कर रही हूं तो बेटा ह्यूमंस में देयर आर ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम ठीक है ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम होते हैं बेटा देयर आर ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ विच वन पेयर इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स सेक्स डिटर्मिनेशन तो 23 क्रोमोसोम जो है ठीक है एंड दिस इज कॉल एंड दिस क्रोमोसोम्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स यह क्रोमोसोम क्या है बेटा इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोज़ोम। सो ह्यूमन के बॉडी में 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से बेटा दो ऐसे पेयर्स होते हैं जो क्या है बेटा जो दो इन द की लड़के में एक लड़की में एक सो so, ऐसे में से बेटा 23 में से एक ऐसा पेयर होता है ठीक है दो हमारे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्या है जो सेक्स क्रोमोजोम है जो बेटा सेक्स को डिटरमाइन करते हैं बाकी के जितने 22 टू पेयर है या 44 फोर क्रोमोजोम है वो बेटा हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं जैसे कि हेयर कलर जैसे कि हाइट जैसे कि ग्रोथ ये सारी चीजें जो बॉडी के नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं ओनली वन पेयर और टू क्रोमोजोम्स डिटरमाइंड सेक्स ऑफ अ चाइल्ड सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दोज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम उने हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं जो कि मेल में क्या होता है बेटा मेल में होता है एक्स एन वाई ठीक है द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल इज एक्स एन वाई एंड द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन फीमेल इज एक्स एन एक्स ठीक है प्रेजेंट इन फीमेल इज एक्स एन एक्स सो पैर पता चल गया मेल में होता है एक्स और वाई फीमेल में होता है एक्स एन एक्स बाकी जो मैंने कहा था रेस्ट फोर क्रोमोजोम्स रेस्ट फोर्टी फोर क्रोमोजोम्स क्या है बेटा उनको हम ऑटोजोम्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के नॉर्मल फीचर्स को कंट्रोल करते हैं आंखों का कलर हेयर कलर हाइट एंड सो ऑन। सो अब हम देखेंगे सेक्स के डिटर्मिनेशन कैसे होगी? मैंने क्या बताया सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड लेकिन बेटा कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसमें सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होते जैसे कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते बेटा टेम्परेचर के साथ उनका सेक्स डिटरमाइन होता है कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके बेटा टच से सेक्स डिटरमाइन होती है बट अगेन दोज आर कंसेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस फिलहाल हम ह्यूमंस में देखेंगे बस कि ह्यूमंस में सेक्स की डिटर्मिनेशन एक्सक्यूज मी जेनेटिक बेसिस पे होता है क्रोमोजोम के थ्रू होता है और जो क्रोमोजोम सेक्स को डिटरमाइन करती है उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम जो कि मेल में है एक्स वाई और फीमेल में है एक्स एक्स अब हम क्या देखेंगे बेटा कि कैसे सेक्स डिटरमाइन होगा जो बच्चे होते हैं उनके सेक्स को कौन डिटरमाइन करते हैं तो आइए पहले ड्रॉ कर लेते हैं फीमेल में बेटा क्या था फीमेल में था एक्स एन एक्स है है ना, फीमेल में मेल में में बेटा बेटा क्या है X and y chromosome. तो जब बेटा फीमेल में एग्स की प्रोडक्शन होगी जब फीमेल्स में एग्स बनेंगे तो फीमेल में दो टाइप के एग बनेंगे क्योंकि बेटा दोनों क्रोमोजोम इकट्ठे एक, एक साथ नहीं आ सकते बच्चे में हमेशा एक ही क्रोमोजोम आता है फादर से एक मादर से एक तभी जाकर बच्चे में बेटा कंप्लीट बनते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो एक्स और एक्स है दोनों एक्स बच्चे पे नहीं आएंगे इनसे बेटा दो एक्स बनेंगे दो टाइप के एक्स बनेंगे और दोनों में क्या होगा बेटा दोनों एक्स में एक्स और एक्स क्रोमोजोम ही रहेगा क्यों क्योंकि मदर के पास बेटा सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही है तो चाहे ये वाला एक्स आए तब भी एक्स वाला ही क्रोमोजोम बनेगा एग बनेंगे ये वाला एक्स आएगा तब भी बेटा एक्स वाला ही एक्स बनेंगे सो द एग आर सेम सारे के सारे अंडे बिल्कुल सेम होंगे नेक्स्ट वन इज मेल में अगर आप देखोगे बेटा कुछ ऐसे होंगे जिसमें होंगे एक्स क्रोमोजोम है ना और कुछ ऐसे स्पर्म सेल्स भी होंगे जिसमें बेटा होगा वाई क्रोमोजोम तो आप देख सकते हो फीमेल में हमेशा एक्स ही एक्स बनते हैं बिकॉज फीमेल कंटेन ओनली एक्स क्रोम जबकि मेल्स में दो टाइप के स्पर्म सेल्स बनते हैं बिकॉज मेल कंटेन एक्स एंड वाई क्रोमोजोम अब बेटा जब इनकी फ्यूजन होगी जब हम इनको फ्यूज करके देखेंगे तो देखिए आपको क्लियरली पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाट डिटरमाइन द सेक्स मान लीजिए दिस एग कंबाइंड विथ दिसम्स तब भी बेटा क्या होगा तब भी फीमेल से एक्स आएगा सॉरी इट शुड बी एक्स ओके सो फीमेल से एक्स आएंगे मेल से भी एक्स आएंगे सो इट विल बी डेवलप इंटू अ फीमेल नेक्स्ट अगर आप देखिए बेटा मान लीजिए ये जो हमारे दूसरे दूसरे का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ये जो दूसरा एग है इट गैट फर्टिलाइज वि होगा फीमेल से तब भी एक्स आएगा आप देख सकते हो फीमेल से तब भी एक्स ही आ रहा है जबकि मेल से क्या आ रहा है बेटा वाई क्रोमोजोम आ रहा है एंड इट विल डेवलप इंटू अ मेल चाइल्ड ये मेल चाइल्ड में डेवलप हो जाएगा जबकि ये बेटा फीमेल चाइल्ड में डेवलप होगा है ना तो अगर मैं आपको पूछू कि सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है मेल या फीमेल व्हाट विल बी योर आंसर द आंसर इज दी मेल मेल पेरेंट डिटरमाइन अ चाइल्ड क्यों क्योंकि मेल पेरेंट में बेटा वैरायटी है एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम है है ना फीमेल में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही है तो अगर मेल से बेटा एक्स क्रोमोजोम आएगा तो इट विल डेवलप इंटू अ गर्ल चाइल्ड अगर मेल पेरेंट से बेटा वाई क्रोमोजोम आएगा इट विल डेवलप इंटू अ मेल चाइल्ड सो मेल होगा या फीमेल इट्स कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द फादर सो याद रखिए आई एम राइटिंग इट हियर अगेन दैट सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय बाय होम टरमाइंड बाई दी फादर बिकॉज इट कैरीज टू डिफरेंट क्रोमोजोम एक्स एंड नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम आए बेटा प्यूबर्टी से रिलेटेड हम हर चीज पढ़ चुके हैं तो हमें थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी पढ़ना है ना वॉट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो बेटा जब बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं जब बॉडी अंदर से चेंज होने लगता है अलग अलग केमिकल्स रिलीज करने लगता है बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू ऑल दिस थिंग्स ये सारे प्रोसेसिंग के लिए बेटा बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है प्लस अगर फीमेल में बात करें बेटा ड्यू टू द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बिकम समवट वीक तो इसीलिए एक बैलेंस डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सो ऑल दिस थिंग्स पर्सनल हाइजीन बेटा और वी कैन से प्रॉपर फूड और अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस ये सारे की सारी चीजें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कंसिडर कर सकते हैं सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा सबसे पहले तो हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है एक ऐसी डाइट लेनी है जिसमें बेटा प्रोटीन मैक्रोस स्पेशली ठीक है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट की क्वांटिटी हो बैलेंस्ड हो ऐसा नहीं है कि हमको एनर्जी चाहिए तो हम फैट फैट खा रहे हैं वी शुड हैव प्रोटीन आल्सो बिकॉज दैट इज द पीरियड व्हिच इन्वॉल्व मसल बिल्डिंग सो बेटा प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल कैसे बिल्ड होगा नहीं हो पाएगा हम लीन हो जाएंगे है ना अजीब से हो जाएंगे गंदे से दिखने लगेंगे सो इसीलिए देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस डाइट हर चीज बैलेंस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं तो कोशिश तो थोड़ी बहुत करनी चाहिए प्लस बेटा जो भी हमारे डाइट हो इट शुड बी रिच इन आयरन बिकॉज आयरन क्या है बेटा आयरन मेक्स अ वेरी रेड कलर्ड पिगमेंट इन आवर ब्लड कॉल हेमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी में बेटा क्या है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कैरियर्स है जो आप हायर क्लासेस में अगेन पढ़ने जाओगे बेटा हमारी जो ब्लड हमारी जो खून लाल होता है वो एक पिगमेंट के वजह से होता है कॉल हेमोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन के लिए आयरन का होना बहुत जरूरी है आयरन नहीं होगा तो हेमोग्लोबिन नहीं होगी हेमोग्लोबिन नहीं होंगे तो हम पेल गंदे से बीमार से दिखेंगे और हमें एनीमिया हो जाएगा तो इसीलिए आयरन रिच फूड लेना बहुत जरूरी है जो कि लिफी वेजिटेबल्स में होता है बेटा जैगरी गुड़ में होता है मीट साइट्रस फ्रूड दैट मीन लेमन ऑरेंजेस ये सारे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें होता है बेटा गूजबेरी इन सब में होता है और आयरन रिच फूड आर वेरी वेरी एसेंशियल स्पेशली फॉर गर्ल्स फॉर गर्ल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा उसके अलावा पिज्जा डोनट्स और सारे जितने भी पैकेट फूड्स है ठीक है जितने भी बेटा फास्ट फूड्स है वी शुड अवॉइड फूड्स क्योंकि हमको लगता है टेस्टी बहुत है कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें नहीं है कोक पीने में मुझे भी मजा आता है लेकिन बेटा क्या है ये एम्प्टी कैलोरीज है कुछ नहीं दे रहा है नो no न्यूट्रिशन तो ऐसे में क्या होगा हमारी जो बॉडी है हर चीज को फैट बना के स्टोर कर देगी तो धीरे धीरे हम एक अनहेल्दी हैबिट की तरह आगे बढ़ेंगे सो वी शुड अवॉइड पैकेट फूड्स आई नो बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे जितना कर सकते हो उतना तो हम कर ही सकते हैं राइट सो एवरी वन शुड हैव बथ एटलीस्ट वंस स्पेशली बॉयज क्योंकि बेटा प्यूबर्टी के टाइम पे स्वेट की सिक्रेशन बढ़ जाती है पसीना ज्यादा आने लगता है और बेटा बॉडी में इतनी सारी केमिकल एक्टिविटीज चलती है इनफैक्ट आप देखोगे स्पेशली बॉयज दे स्टार्ट स्मेलिंग तो अगर पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन हुआ अगर रेगुलरली बेटा नहाया नहीं गया तो देयर कैन बी बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि बेटा प्यूबर्टी इज अ एज आप देखोगे प्यूबर्टी के टाइम पे मुंह में पिंपल्स निकलना शुरू होता है क्यों बिकॉज बेटा हमारे स्किन के अंदर कुछ ऑयल ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं जो ऑयल बनाते हैं और प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा वो ज्यादा बनाने लगते हैं स्पेशली द टी जोन आप देखोगे यहाँ यहाँ टी जोन जिसको हम कहते हैं दिस इज एक्चुअली अ टी तो यहाँ पे ज्यादा पिंपल्स होते हैं बिकॉज वी हैव ऑयल ग्लैंड हेयर और यहाँ क्या होता है बेटा बैक्टीरिया ग्रो बढ़ने लगता है तो अगर हम पर्सनल हाइजीन को नहीं मेंटेन करेंगे तो हमें बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है सो वी शुड मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन एटलीस्ट नेक्स्ट यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होम मेड पैड्स। दिस इज एक्चुअली फॉर द गर्ल्स एंड दिस पैड शुड बी चेंज एवरी फाइव टू सिक्स आवर्स और एटलीस्ट फोर टू फाइव आवर्स ठीक है

लेकिन एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हो तब भी बेटा किसी काम का नहीं होगा बिकॉज बिकॉज एक्सरसाइज इज वेरी वेरी एसेंशियल वेरी वेरी एसेंशियल टू कीप यू फिट फ्रॉम बहुत सारी चीजें आती है इतनी सारी चेंजेस आती है कभी कभार बेटा थ्रू योगा प्रैक्टिस थ्रू एक्सरसाइजिंग क्या होता है हम अपने माइंड को शांत रख सकते हैं सो वी शुड कीप एक्सरसाइजिंग एटलीस्ट फिफ्टीन मिनट्स एटलीस्ट हाफ एन आवर रेगुलरली सो ये तो पॉइंट है ही है बेटा सबसे बड़ा पॉइंट सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इट इज दैट से नो टू ड्रग्स एडोल्स इज द पीरियड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं बेटा एडोल्स इज द पीरियड विच इज वेरी 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 वेलनरेबल पीरियड जहां लोग इजिली इंफ्लुएंस होते हैं स्पेशली टूअर्ड्स द केमिकल्स लाइक एल्कोहॉल ड्रग्स एंड सो ऑन सो वी शुड से नो टू ड्रग्स ठीक है सो बेटा डेफिनेटली बहुत सारे आपके लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे ठीक है देयर विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप एंड डाउन इन अ लाइफ आपको लगेगा कि आज मैं ये ट्राई कर लेता हूं और आई विल एस्केप टू अ डिफरेंट वर्ल्ड एक टैसे जिसको हम कहते हैं कि इसे लेकर मैं दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाऊंगा मैं अपनी सारे टेंशन भूल जाऊंगा बेटा ट्रस्ट मी ऑल दिस थिंग्स आर टेम्पररी आप दोबारा जब नशा खत्म हो जाएगा दोबारा आप अपने वही टेंशन के साथ उसी दुनिया में वापस आ जाओगे तो इसीलिए ये जो सोल्यूशन है बिल्कुल टेम्पररी और बिल्कुल ही बिल्कुल ही घटिया सोल्यूशन है वि शुड नॉट ऑप्ट फॉर इट ठीक है से नो टू ड्रग्स हमें करना क्या है बेटा वी शुड फेस आवर चैलेंजेस हमें चैलेंजेस को फेस करना है हमें धीरे धीरे अपने चैलेंजेस पे काम करना है और बेटा ड्रग्स सिर्फ एडिक्टिव ही नहीं होता है वी शुड अवॉइड ड्रग्स वाई बिकॉज दे आर एडिक्टिव है ना एडिक्टिव तो ये है ही है लेकिन सिर्फ एडिक्शन इज ऑल्सो नॉट द प्रॉब्लम ड्रग्स क्या होता है बेटा जब कॉमन सीरेंजेस यूज किया जाता है ऑफ्टर इट लेट टू द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस ठीक है याद रखिए कॉमन सेलिंजेस जो होती है इट लेट टू स्प्रेड ऑफ एस्टिडीज एस्टिडीज का मतलब होता है क्शुअली ट्रांसमिटेड से बेटा होता है, लेकिन blood के ट्रांसफ्यूजन से भी Asteris या ट्रांसफर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एड्स एंड हेपेटाइटिस ठीक है ये कुछ ऐसी बीमारियां है जो सेक्सुअल कंटेक्ट से फैलता है लेकिन बेटा ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से कॉमन सरीज के यूज से भी फैल सकता है सो वी शुड कंप्लीटली अवॉइड इन आवर लाइफ टाइम बेटा मुश्किलों को हम फेस करेंगे तभी हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे ऐसे चीजों का कभी भी कभी भी हमें ऑप्शन चूज करना ही नहीं है इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है थैंक यू